अभियान में 27 बटालियन आईटीबीपी ने महाराष्ट्र सीमा पर राजनांदगांव जिले में नक्सलियों के एक कैंप को ध्वस्त कर दिया है। एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद लगभग सुबह 4 बजे आईटीबीपी और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त टीमों ने जिले के कोहकोटाली जंगल में स्थित नक्सलियों के ठिकाने को ध्वस्त किया। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए इस अभियान में जैसे ही जवान जंगल में संदिग्ध स्थल पर पहुंचे तो नक्सलियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल के रास्ते भाग निकले। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ नक्सलियों को गोली भी लगी है। बाद में इलाके की खोजबीन करने गए आईटीबीपी ने घटना स्थल से एक 303 राइफल, 12 बोर की 2 राइफल, एक भरमार राइफल, एक एयरगन, वायरलेस सेट्स और अन्य रोजमर्रा की आवश्यकताओं का सामान स्थान से बरामद किया। सूत्रों का मानना है कि इस स्थान पर पीएलजी के प्लाटून कमांडर नंबर 15 का नेतृत्वकर्ता सुखलाल लगभग अपने 20 से 25 साथियों के साथ यहाँ पर मौजूद था। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है।